अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाल फातिमा फ्रॉम चौहान इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर प्राइवेट लिमिटेड। आज हमें बहुत ही दो खूबसूरत से नन्हे मेहमानों ने ज्वाइन किया है जो कि हमारी वीडियोस को डेली फॉलो करते हैं और इन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है हमारे चैनल को, तो हाय कहें सारे। तो आज मैं जिस हवाले से बात करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि USA का 5 ईयर्स का मल्टीपल वीज़ा कैसे हासिल किया जा सकता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि एजेंट्स को 20 से 25 लाख देते हैं और अपना वीज़ा लगवाते हैं, हालांकि आपका जो वीज़ा है वो टोटली आपके प्रोफाइल और इंटरव्यू के बेस पे लगता है। तो आज मैं आपको टोटल जो प्रोसीजर है उसका और जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो बताऊंगी कि किस तरह इजीली आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी ओनली $160 के अंदर। प्रोसीजर क्या है कि सबसे पहले आपने उनकी जो एम्बेसी फ़ी है वो ऑनलाइन पे करनी है, और इसी तरह D-160 के नाम से एक फॉर्म होता है वो आपने फिल करना होता है और तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे अपलोड करने होते हैं। अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो आपका पासपोर्ट आ जाता है, उसके अलावा आपका CNIC, आपकी 3 वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर्स, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, आपका पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट कि आप पर कोई एलिगेशन या इस तरह का कोई भी और जो अथॉरिटी के होता है अंडर वो कोई एलिगेशन ना हो, उसके अलावा आपका FRC एंड MRC इफ़ यू आर मैरिड, इसके अलावा आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेम्बरशिप सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, देन आपका NTN आ जाता है, फिर लास्ट 3 ईयर्स की आपकी टैक्स रिटर्न्स हैं, उसके बाद आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हैं वहाँ का कवरिंग लेटर चाहिए विद स्टैम्प ऑफ कंपनी CEO, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट आपकी जो है वो लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, अकाउंट मेंटेनेंस बैलेंस और आपका मिनिमम जो क्लोजिंग अकाउंट बैलेंस है वो 20 से 25 लाख होना चाहिए। इसके अलावा आपने होटल और टिकट रिजर्वेशन करनी है जो कि नॉन पेड होगी, टोटली फॉर वीज़ा पर्पस ओनली, और अगर आप कोई लैंड या कोई प्रॉपर्टी ऑन कर रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट्स भी साथ में अटैच करनी है। तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने वेबसाइट पर जाके अपलोड कर देने हैं, और इसके अलावा जो एम्बेसी फ़ी ऑनलाइन पे करनी है वो $160 होगी, और अपनी अपॉइंटमेंट का वेट करना है। फिर जब भी आपको अपॉइंटमेंट का वो आ जाए लेटर के अब आप आ सकते हैं, तो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके एम्बेसी विजिट करना है और वहाँ पे जाके तमाम डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवा देने हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसके बाद आपका एक इंटरव्यू लिया जाता है। अब जितने भी ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो सारा है ना, इसके अंदर से ही आपके प्रोफाइल के अंदर से ही आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, और इंटरव्यू जो है वो टोटल आपके प्रोफाइल बेस है, कोई और क्वेश्चन नहीं होता है, तो आपने इससे ही रिलेटेड तैयार होकर जाना है। और अगर आप अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं तो within 2 days आपको ये खुशखबरी मिल जाती है कि आपका वीज़ा लग चुका है। तो इस तरह ये सिंपल सा प्रोसीजर है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो मैंने बता दिए हैं। अगर ये मौजूद हैं आपके पास तो आप USA का जो है वो विजिट वीज़ा 5 साल का मल्टीपल विजिट वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं विच इज़ www.chauhantravel.com। इसके अलावा आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं विच इज़ M84 सिद्दीक ट्रेड सेंटर गुलबर्ग लाहौर। मैं अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगी अगली इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।